Recording and recording. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी के बारे में बता दीजिए, देन आप लोग कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। चंदन सैनी सब ओके है, हेलो आकाश, मनीष, परमात्मा कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, फटाफट से जुड़ते जाइए, देन अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके रौनक, चंदन, बहुत ही बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आई होप मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे जिनको इस टॉपिक के बारे में डाउट होगा या फिर ये टॉपिक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, बट एग्जाम में यहां से कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक है हमारा GD and T। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, किसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। तो हम लोगों ने टॉलरेंस को डिस्कस किया था गाइस, किसको डिस्कस किया था? लिमिट फिट एंड टॉलरेंस में, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस में हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था? सर टॉलरेंस को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टॉलरेंस होता है वो हमारे दो टाइप का टॉलरेंस होता है, एक होता है डायमेंशनल टॉलरेंस और दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। क्लियर है? दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। तो डायमेंशनल टॉलरेंस हम लोगों का क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था डायमेंशनल टॉलरेंस में? हमने सर वहां पे देखा था कि कोई पार्ट है हमारा, उस पार्ट को एक्यूरेट साइज में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज कई सारी चीजें होती हैं, चाहे मशीन में वाइब्रेशन हो या ऑपरेटर की कमी हो, कटिंग टूल की कमी हो या मशीन की कमी हो, तो वहां पर जो परमिशेबल छूट देते हैं हम लोग, यानी कि कुछ ना कुछ किसी पार्ट के ऊपर जो डायमेंशनल छूट दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? टॉलरेंस बोला जाता है, जो ऑलरेडी हम लोग लिमिट फिट एंड टॉलरेंस में पढ़ चुके हैं। लेकिन गाइस यहां पे ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की हम बात करते हैं तो यहां पे हम लोग बात कर रहे होंगे उसके स्ट्रेटनेस की, फ्लैटनेस की, स्क्वायरनेस की, कॉन्सेंट्रिसिटी की, एंगुलरिटी की। तो इनमें जब हम लोग कुछ ना कुछ परमिसेबल छूट दे रहे होंगे वो किस प्रकार देते हैं, क्या चीजें होती हैं, उसको हम लोग समझेंगे और वो हमारा गाइस क्या होता है, वो हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस हो जाता है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है? क्लियर है? यहां पे आप लोग समझ पा रहे हो, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है? यहां पे क्या है, हम लोग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहां पे गाइस थोड़ा सा समझिएगा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को, यहां पे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का क्या पर्पस है? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग स्ट्रेटनेस या फिर फ्लैटनेस या फिर राउंडनेस या सिलेंड्रिसिटी हो गया या फिर हमारी प्रोफाइल ऑफ लाइन हो गई या पैरेललिज्म हो गया या किसी हॉल की पोजीशन को हम लोगों को इंडिकेट करना है या फिर कॉन्सेंट्रिसिटी को इंडिकेट करना है, तो इन सभी के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे गाइस इसका पर्पस क्या हो जाता है भाई, क्या रीजन है कि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्या रीजन है, क्या कोई स्टूडेंट्स बता पाएगा क्या रीजन है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का? तो भाई कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पार्टों को परिशुद्ध रूप में यदि हम लोगों को फिटिंग करना हो तो वहां पर भी हम लोगों को ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की आवश्यकता होती है, बिकॉज जहां पर मेल एंड फीमेल पार्ट है वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होगा या उनमें कॉन्सेंट्रिसिटी नहीं होगी तो वहां पर प्रॉपर हम लोगों की फिटिंग नहीं हो पाएगी। सेकेंड थिंग क्या होती है, ये हमारी एक इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जनरली ऑपरेटर कई जगह से आते हैं जिनको जो हमारी इंजीनियरिंग में जो हमारी लैंग्वेज है वो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस जो है वह एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो कि हर ऑपरेटर बेहतर तरीके से ड्राइंग में समझ सके और उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर सके। तो ये हमारे लिए सबसे मेन फायदा हो जाता है। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे, कुछ चिन्ह का यानी कि सिंबॉल का प्रयोग कर रहे होंगे, देन वहां से हम लोग चीजों को समझ रहे होंगे। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए बिकॉज न्यू टॉपिक है, बट यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो चीजें हम लोग देख रहे होंगे और जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि एज इट इज आप लोग उन चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है कि ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस एक्चुअल में इसकी क्या पर्पस है, ये हमारे इंजीनियरिंग में क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या चीजें हैं।
क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा समझिएगा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के बारे में। यदि हम लोग देखें ज्यामितीय सहिष्णुता, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को ज्यामितीय सहिष्णुता बोला जाता है, जिसमें किसी लक्षण के रूप यानी कि किसकी बात कर रहा है, फॉर्म आकार की बात कर रहा है, और उसकी स्थिति यानी कि पोजिशन, यानी कि मान के चलिए कोई हमारी प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसमें किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर हम लोगों को एक राउंड हॉल बनाना है, तो यहां पर इसकी पोजिशन की बात कर रहे हैं कि ये यहां से इस रेफरेंस से हमारा कितना मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर, यहां से हमारा कितना मिलीमीटर है, सर 30 मिलीमीटर है। तो ये क्या बता रहे हैं, हम लोग इस हॉल की पोजिशन बता रहे हैं, और किसका रेफरेंस लिया हुआ है, हम लोगों ने एक ये वाली एज का रेफरेंस लिया है, दूसरी इस एज का रेफरेंस लिया, यानी कि किसी रेफरेंस पॉइंट से या डेटम पॉइंट से उस हॉल की स्थिति या पोजीशन में अधिकतम कितनी मान्य वेरिएशन हो सकता है। जैसे हम लोग डायमेंशनल टॉलरेंस में क्या देख रहे थे, डायमेंशन टॉलरेंस में हम लोग डायमेंशन को देख रहे थे, सर यदि हमारा डायमीटर 20 मिलीमीटर का है तो वहां पर हम लोग कुछ ना कुछ छूट दे रहे थे, सर प्लस माइनस में इतना होगा तो हम लोगों का चलेगा, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग छूट दे रहे हैं, वो किसमें, चाहे हमारी स्ट्रेटनेस हो, फ्लैटनेस हो, कॉन्सेंट्रिसिटी हो, या फिर पोजीशन हो किसी हॉल की, वहां पर जो परमिशिबल छूट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, टोटल फिगर के माध्यम से हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इस टाइप के फिगर आप लोगों ने काफी देखे होंगे आपके एग्जाम में, बट आप लोगों को क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्या चीजें हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है, या आप लोगों ने ड्रॉइंग देखी होगी। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे गाइस चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, जब भी हम लोग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को ड्रॉइंग में दर्शाते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को एक एक चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा सा फोकस करिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं वहां पर आप लोग फंस जाते हो। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को दर्शाने के लिए हम लोग एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो, ये हमारी क्या है, एक फ्रेम है, ये एक बॉक्स आप लोग अलग अलग देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये एक फ्रेम है, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है, देन यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये हम लोगों का टॉलरेंस है, ये क्या है, टॉलरेंस है, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। यदि आप लोगों से ड्राइंग में पूछता है ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये हमारा फ्रेम है, यहाँ पे हम लोगों को सिंबल मिल जाता है जो हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि ये पैरेललिज्म का सिंबल है, अभी हम लोग आगे सारे सिंबल को देख रहे होंगे, और यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो जिसमें आप लोगों का एरो बना हुआ है, इसमें आप लोगों का एरो बना हुआ है, इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीडर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है गाइस, लीडर लाइन आप लोगों का बोला जाता है। सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों को एक 90 डिग्री में रेखा मिल रही होती है, देन यहाँ पे आप लोग यदि देखोगे ये हमारा रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को पैरेललिज्म दिखाया है, तो ये वाली जो सरफेस है वो किस रेफरेंस से कितना पैरेलल होना चाहिए और उसमें कितना वेरिएशन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये रेफरेंस मिल जाता है, और इस रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर इस रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेटम, इस रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक मेथड हमारा कुछ इस तरीके का होता है जो हम लोग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को इंडिकेट करते हैं, और दूसरा मेथड यदि हम लोग देखें, यहां पे आप लोगों को फिगर मिल जाता है, और इस दूसरे मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे आप लोग देखोगे सेकेंड नंबर के फिगर में, यहां पे हमने इस रेफरेंस को लीडर लाइन से नहीं जोड़ा है, हमने इस रेफरेंस को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इस यहाँ पे इस फ्रेम में हम लोग एक और बॉक्स बना के हमने ए लेटर से इंडिकेट किया, यानी कि ये पैरेललिज्म 0.05 के टॉलरेंस में किस रेफरेंस से है, तो रिलेटिव टू द ए रेफरेंस, यानी कि सरफेस को हमने यहाँ पे ए रेफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से भी यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा है।
ऑटोमेटिक जो भी लिंक आप डालोगे ऑटोमेटिक ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन। तो लिंक पोस्ट मत करिएगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो भी आपको पोस्ट करना है वो आप कर सकते हो। लिंक में बाय डिफॉल्ट जो है आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा जो भी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन का सेटिंग है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप लोग क्या चीजें देख पा रहे हो, यहाँ पे ये आप लोगों का रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। अब थोड़ा सा गाइस समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप का मिल गया, तो ये पूरा का पूरा क्या इंडिकेट कर रहा है। यदि आप लोगों से इस ड्राइंग के बारे में पूछे, यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस दिया गया है, ये आप लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीजों को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम लोग देखें ये हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे देखो समझिएगा, यहां पे देखो समझिएगा भाई, सारे लोग चैटिंग में लगे हैं क्या? ब्लॉक कर दें चैटिंग को, क्लास के बाद में कर लेना, क्लास के बाद में आप लोगों को टाइम मिलेगा, क्लास के बाद में टाइम मिलेगा, है ना? चलिए अब थोड़ा देर यहाँ पे फोकस करिएगा क्लासेस पे, देन इनेबल कर देंगे। पर्पस ये है जिससे कि आप लोगों का टोटल फोकस यहाँ पे रहे, सारा फोकस वहां पे ना रहे। अब देखो कोई मतलब नहीं निकलेगा सारी चीजें बताने का। अब ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, बिकॉज ये टॉपिक जो है वह कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा समझिएगा, ज्यामितीय सहिष्णुता अंकित करने के लिए बहुत सारे सिंबॉल होते हैं हमारे, उन सिंबॉल को बेसिकली हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वह होती है हमारी फॉर्म कैटेगरी, सेकंड होती है हमारी एटीट्यूड, और थर्ड होती है हमारी पोजीशन। थर्ड हमारी क्या होती है सर? पोजीशन, पोजीशन स्थिति यानी कि पोजीशन। ये 3 वर्ग हैं, इन 3 वर्ग में हम लोगों ने सिंबॉल को डिवाइड किया है। हालांकि ये ओनली 3 वर्ग नहीं होते हैं, यहां पर इसको 5 वर्ग में भी डिवाइड किया है, बट अपने आईटीआई लेवल में ओनली 3 वर्ग आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशियंट है। अब इसको समझिएगा, यदि गाइस हम लोग फॉर्म ग्रुप की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से सिंबॉल आते हैं, एटीट्यूड के अंदर कौन कौन से सिंबॉल आते हैं, देन उसके अलावा हमारे पोजीशन के अंदर कौन कौन से सिंबॉल आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी? फॉर्म ग्रुप की। तो यहाँ पे फॉर्म मतलब कि ये किसी भी वर्कपीस के आकार को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। किसको? किसी भी वर्कपीस के आकार को, यानी कि फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा कौन कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आता है सीधापन, यानी कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस, सिलेंड्रिसिटी, एंड यहाँ पे ये 2 सिंबॉल हैं। इन 2 सिंबॉल को हम लोग एक अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोफाइल ग्रुप। जिसको क्या बोला जाता है? प्रोफाइल ग्रुप। यानी कि हम लोग देखें जो फॉर्म ग्रुप है उसमें हमारे 4 सिंबॉल बेसिकली आते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस एंड सिलेंड्रिसिटी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि सर ये फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, बट जो भी हमारे फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कोई भी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आप एक चीज समझिएगा, यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक फिगर आप लोगों को दिखाया था, और इस फिगर में आप लोग क्या समझ पा रहे थे सर? इस फिगर में हम लोग ये चीज समझ पा रहे थे कि यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक सिंबॉल मिला, और यहाँ पे हम लोगों को पैरेललिज्म को दिखाया, यहाँ पे 0.05 ये हमारे टॉलरेंस को इंडिकेट किया, और यहाँ पे हमारा ए लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये हमारे इस रेफरेंस यानी कि इस डेटम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? ये पैरेललिज्म का सिंबल है, यानी कि इस सरफेस से ये वाली सरफेस हमारी पैरेलल होना चाहिए। यदि इस पैरेललिज्म में 0.05 का वेरिएशन आता है
तो वो क्या होगा, वो परमिसेबल होगा। यदि इससे ज्यादा वेरिएशन आता है तो वहां पर वो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन गाइस यदि मैं एक सरफेस बनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट इसरो में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, हवा हवाई हो जाते हैं उसके बाद में आप लोग, वहां पे आप लोगों से पूछा गया था कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक सिंबल है जहां पर हमको रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती। क्या कोई स्टूडेंट्स बताएगा, चैट इनेबल कर देते, कोई स्टूडेंट्स बताएगा कि भाई क्या होता है, कौन सा हमारा वो सिंबल होता है, कौन सा हमारा सिंबल होता है, कौन सा सिंबल होता है जहां पे हम लोगों का क्या है, रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो वहां पे गाइस जितने भी हमारे फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं वो हमारे वहां पे कोई भी रेफरेंस या डेटम की आवश्यकता नहीं होती। उसमें हमारा स्ट्रेटनेस हो सकता है, राउंडनेस हो सकता है, फ्लैटनेस हो सकता है। तो वहां पे ऑप्शन में आप लोगों को फ्लैटनेस दिया था, बाकी पोजिशन दिया था, सिमेट्राई दिया था, सिलेंड्रिक जो है पैरेललिज्म दिया था। तो उन सभी ऑप्शन में से आपको देखना था कि फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत कौन सा आता है जहां पे हम लोगों को कोई भी रेफरेंस या फिर डेटम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज आप लोग समझ गए, क्योंकि फ्लैटनेस यानी कि मैं इस सरफेस की फ्लैटनेस को देख रहा हूं, तो क्या यहां पे मुझे किसी रेफरेंस सरफेस की आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सरफेस पर्टिकुलर अपने आप में एक पूर्ण सरफेस है और मुझे ओनली इस सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करना है। तो यहां पे मैं किसी अदर सरफेस का रेफरेंस लेने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे गाइस ये चीज हम लोग क्लियर समझ पा रहे हैं कि जो हमारे फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से आते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस एंड हमारा सिलेंड्रिसिटी। तो ये चारों जो सिंबल है, करेक्टरिस्टिक सिंबल है, इसमें हम लोगों को रेफरेंस यानी कि किसी डेटम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग बात करें यदि प्रोफाइल की, प्रोफाइल में हमारा ऑप्शनल होता है, कभी कभी यहाँ पे रेफरेंस की आवश्यकता होती है और कभी कभी हम लोगों को रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत हमारे कौन कौन से सिंबल आ गए सर, स्ट्रेटनेस आ गया, फ्लैटनेस आ गया, राउंडनेस आ गया और सिलेंड्रिसिटी आ गया। प्रोफाइल ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आ गए सर, हमारी रेखा की रूपरेखा यानी कि प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस, ये दो चीजें आ गई। ये हमारा प्रोफाइल ऑफ लाइन है जिसमें हमारा नीचे इस प्रकार नहीं होता है यानी कि इसको बंद नहीं किया जाता है। दूसरा होता है हमारा प्रोफाइल ऑफ सरफेस, दूसरा होता है हमारा प्रोफाइल ऑफ सरफेस, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कोई सिंबल दिया जाता है और उस सिंबल का नाम आप लोगों से पूछा जाता है या फिर आप लोगों से उसका वर्ग यानी कि ग्रुप पूछ लिया जाता है कि ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आप लोगों को यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज क्लियर हो गया कि ये फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ये प्रोफाइल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। बट ध्यान रखिएगा आईटीआई की बुक्स में आप लोगों को ये प्रोफाइल ग्रुप को नहीं दिखाया गया है और इस ग्रुप को फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत डाल दिया है, जबकि ये थोड़ा सा रॉन्ग है। बाय द वे आपका क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ लाइन का आप लोगों को सिंबल दिया और वहां पे प्रोफाइल ग्रुप नहीं दिया है और आप लोगों को फॉर्म ग्रुप दिया है, तो डेफिनेटली आपको फॉर्म ग्रुप की ओर जाना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा समझ रहे हो, बिकॉज हमारा एक्चुअल में प्रोफाइल ग्रुप अलग है जिसके अंदर हमारे दो सिंबल आते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, प्रोफाइल आता है, प्रोफाइल ऑफ लाइन आता है और प्रोफाइल ऑफ सरफेस आता है। क्लियर है ना? तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों की आगे काम आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, यहाँ पे एक आप लोगों को फिगर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक ड्राइंग नजर आ रही होगी। इस ड्राइंग में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है इस ड्राइंग में, यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो है, मैंने क्या बताया सर, ये हमारी क्या होती है, ये लीडर लाइन होती है और लीडर लाइन का ये एरो है। जब हमारा ये एरो इसके एक्सेस पर है, क्या मैंने बोला ये हमारा कोई राउंड वर्कपीस है, बिकॉज एक्सेस लाइन से हम लोगों को क्लियर हो रहा है, ये अक्ष रेखा है और इस अक्ष रेखा पर ये एरो है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटनेस और स्ट्रेटनेस का टॉलरेंस है
वह इंटायर कंपोनेंट पर लागू होगा, यानी कि ये पूरे के पूरे कंपोनेंट पर लागू होगा, बिकॉज यहां पर ये एरो हमारा जो लीडर लाइन में लगा हुआ है वह इसके एक्सिस पर इंडिकेट कर रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या बता रहा है सर, यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम है वो फ्रेम हमको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेटनेस होना चाहिए और 0.01 की जो है टॉलरेंस यहाँ पे दिया गया है। बाय द वे यहाँ पे चीजों को समझिएगा, यानी कि 0.1 की यदि मैं स्ट्रेट लाइन से दो रेखा खींचू तो जो स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है वह इसी के अंदर होना चाहिए 0.1, यदि उससे ज्यादा होता है तो डेफिनेटली वो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि 0.1 का टॉलरेंस स्ट्रेटनेस में हम लोगों को दिया हुआ है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, यहां पे क्लियर हो रहा है। चलिए भाई, तो यहां पे ये चीज आप लोगों को स्क्रीन बैक करो, हाँ बिल्कुल, जिनका ब्लैक हो रहा है भाई, ब्लैक नहीं हो रहा है, क्लास प्रॉपर चल रहा है, एक बार बैक करके ऑन कर लो, आपका जो है इंटरनेट का कुछ इशू है, क्लियर है ना। चलिए अब यहां पे ये चीज समझ रहे हो, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि यदि ये एक्सिस लाइन पर है, इसका मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की फ्रेम दी हुई है ये जो है पूरे कंपोनेंट पर लागू होगी। अब देखो यहाँ पे यदि ये डायमीटर दिया है तो यहाँ पे ये जो है सिलिंड्रिकल में दिखा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हम लोगों का फ्रेम दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन पर दिया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायमीटर पर दिया गया है इस प्रकार एरो लगाकर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर आप लोगों का जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है वो ओनली इस डायमेंशन पर लागू होगा। वो किस पर लागू होगा, जो स्मॉल डायमीटर है केवल उस पर लागू होगा। और यहाँ पे सेम थिंग वही चीज बता रहा है कि स्ट्रेटनेस जिसका टॉलरेंस हमारा 0.1 होना चाहिए, जिसका टॉलरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0.1 होना चाहिए, क्लियर है ना, सारी चीजें समझ आएंगी यदि कनेक्ट होकर आप लोग सारी चीजों को देखोगे, स्टार्टिंग से देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ रहे हो कि स्ट्रेटनेस टॉलरेंस फॉर एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ डायमेंशन फीचर ओनली, यानी कि जो डायमेंशन फीचर है, यानी कि डायमेंशन फीचर इन द सेंस ओनली ये वाला डायमेंशन फीचर जो हमारा स्मॉल डायमीटर है उस पर हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस लागू होगा। यदि ये हमारा लीडर लाइन का एरो एक्सिस पर रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस इंटायर वर्कपीस पर जो है लागू होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत अच्छा कौन कौन से आते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस और सिलिंड्रिसिटी, तो इनके लिए हमें कोई भी रेफरेंस या डेटम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्ट्रेटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम लोगों को किसी डेटम की आवश्यकता स्ट्रेटनेस की, नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि डेटम की आवश्यकता फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी आगे एटीट्यूड देखेंगे या फिर हम लोग आगे के ग्रुप देख रहे होंगे पोजिशन वाले, तो वहां पे हम लोगों को जो है रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा हमारा फ्लैटनेस, यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, फ्लैटनेस देख पा रहे हो, यहाँ पे ये आप लोगों की पूरी फ्रेम मिल जाती है, इसमें फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है, दूसरा हम लोगों का क्या है टॉलरेंस है। तो कभी कभी पूछ सकता है इसका नेम, तो ये आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है सर, ये फ्लैटनेस का सिंबल है और ये हम लोगों को टॉलरेंस दिखाया हुआ, और ये किस सरफेस पर लागू हो रहा है, जिस सरफेस पर लीडर लाइन का एरो हम लोगों को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि नॉट कनकेव, यानी कि हमारी जो सरफेस होगी उसमें जो वेरिएशन होगा वह ओनली 0.05 का वेरिएशन होगा, वो कनकेव नहीं होना चाहिए, यानी कि वो फ्लैट होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो रही है, तो कुछ इस प्रकार हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे होंगे, फ्लैटनेस को इंडिकेट यहां पे कर रहे होंगे। अब देखो यहां पे हमारा क्या आ गया, राउंडनेस आ गया, तो राउंडनेस को यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्या राउंडनेस है, जिसमें अब राउंडनेस को अच्छा हम लोग चेक कैसे करेंगे, क्या कोई स्टूडेंट्स बताएगा, यदि हम लोगों को जो है किसको चेक करना है, राउंडनेस को चेक करना है, तो राउंडनेस को हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सर हम लोगों को दिखा दिया है, ये फ्रेम का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि राउंडनेस और उस पर टॉलरेंस है 0.02 जो कि हमारी इस डायमीटर पर राउंडनेस दी गई है। अब मुझे चेक करना है राउंडनेस को, तो मैं कैसे चेक करूंगा, क्या कोई स्टूडेंट्स बता पाएगा,
डायल टेस्ट इंडिकेटर, अमित कुमार बहुत ही बढ़िया, डायल टेस्ट इंडिकेटर से। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो वर्कपीस है उसको वी ब्लॉक के ऊपर एक पॉइंट पर रखेंगे, देन डायल टेस्ट इंडिकेटर को हम लोग किसी एक पॉइंट पर सेट करने के बाद में उसको पोजीशन को हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। देन हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर को यानी कि इस वर्कपीस को उसके ऊपर पूरा राउंड घुमाएंगे, देन इसी पॉइंट तक लेकर आएंगे, जो सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा उसको हम लोग नोट करेंगे। यदि वो 0.03 से ज्यादा वेरिएशन होता है, इन द सेंस ये हमारा राउंडनेस का जो टॉलरेंस दिया गया है, यहाँ पे 0.02 दिया गया है या जो भी टॉलरेंस है, उससे ज्यादा वेरिएशन यदि है यानी कि वो हमारा पार्ट रिजेक्ट है, यदि उससे कम वेरिएशन या उसके बराबर वेरिएशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि राउंडनेस हमारे टॉलरेंस के अंदर है। क्लियर है ना, बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सरफेस पर हम लोग घुमा रहे हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर को या वर्कपीस को रोटेट कर रहे हैं और वहां पे हम लोग वेरिएशन को चेक कर रहे हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। तो राउंडनेस आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअल में राउंडनेस में हम लोग किस प्रकार चीजों को चेक कर रहे होंगे। टेम्पलेट से चेक नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टेम्पलेट से चेक करना। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेंड्रिसिटी, सिलेंड्रिसिटी यहाँ पे हम लोगों को सेम समझ में आ रहा है कि सिंबॉल हमारा किसका है, सर सिलेंड्रिसिटी का है। देन यहाँ पे जो टॉलरेंस है वह 0.05 का है। अब हमने राउंडनेस को समझ लिया, सर राउंडनेस को हमने चेक कर लिया, किसी एक पॉइंट पर डायमीटर पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर को पोजीशन करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा 0.03 आ रहा है, यहाँ पर देखा 0.05 आ रहा है, लेकिन अब हमारी बात आ गई किसकी, सिलेंड्रिसिटी की। तो क्या कोई स्टूडेंट बताएगा कि सिलेंड्रिसिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे, हमने राउंडनेस को देख लिया, सिलेंड्रिसिटी को हम कैसे चेक करेंगे, सिलेंड्रिसिटी को हम कैसे चेक करेंगे, फटाफट से बताइए। वो हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं टेम्पलेट से, ओनली प्रोफाइल चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो टेम्पलेट कहाँ से आ जाएगा, नॉट पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिसिटी को कैसे चेक करेंगे, अब देखो सिलेंड्रिसिटी को चेक करने को थोड़ा सा समझिएगा, सिमिलर है हमारे राउंडनेस चेकिंग की। वहां पे हमने क्या किया था, राउंडनेस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लिया, देन हम लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया। लेकिन सिलेंड्रिसिटी में हम लोग क्या करेंगे, हमारा वर्कपीस क्या है, एक लंबा वर्कपीस है, राइट, हमारा वर्कपीस क्या है, एक लंबा वर्कपीस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे सरफेस पर सेम थिंग पॉइंट लेंगे और इस पूरे सरफेस पर हम डायल टेस्ट इंडिकेटर को घुमाएंगे, वर्कपीस को थोड़ा घुमाएंगे, फिर हम लोग इस पूरे सरफेस पर वेरिएशन चेक करेंगे, पूरे सरफेस पर वेरिएशन चेक करेंगे, यानी कि इस तरीके से हम पूरे सरफेस पर वेरिएशन को चेक कर रहे होंगे अलग अलग पॉइंट पर। जो ज्यादा वेरिएशन आएगा वो हमारा क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन होगा, तो वो 0.05 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, सेम हम लोग वर्कपीस को वी ब्लॉक पर रख रहे होंगे, देन हम लोग वो चीजों को चेक कर रहे होंगे। क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही है कि एक्चुअल में ये हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस होता है वो ड्राइंग में इंडिकेट किया जाता है, उसको कैसे हम लोग प्रैक्टिकल उतारेंगे और कैसे हम लोग चीजों को समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल को देख लेते हैं, जैसे कि कोई हमारा स्पायर है उसका हम लोगों को प्रोफाइल को चेक करना है कि कितना यहां से यहां तक का वेरिएशन देखेंगे दोनों का, क्या हमारा यहां से यहां तक का वेरिएशन ज्यादा तो नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे भी हम लोग दो प्रोफाइल को इस प्रकार से कंपेयर जो है कर रहे होंगे। और यहाँ पर भी हमारा टॉलरेंस को देख रहे होंगे कि टॉलरेंस के अंदर है या फिर टॉलरेंस के बाहर है, तो वो वेरिएशन को हम लोगों को चेक करना होता है। इसी प्रकार यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ सरफेस में, जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, ये वाली सरफेसिस को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो चीजों को दिखाया गया, यदि हम लोग पैरेलल रेखा डालें तो इन पैरेलल रेखा जो टॉलरेंस है उसके सिमिलर होगा और उसके बीच में ही हमारा इसका जो है एक्सिस मेच खाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस होता है। हालांकि आपके आईटी स्टूडेंट्स में प्रोफाइल ऑफ सरफेस, प्रोफाइल ऑफ लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अगला ग्रुप जो हमारा जाता है एटीट्यूड ग्रुप होता है। नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, एटीट्यूड ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से सिम्बॉल आते हैं, कौन कौन से सिम्बॉल आते हैं, पैरेललिज्म, स्क्वायरनेस और एंगुलरिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पैरेललिज्म, स्क्वायरनेस और एंगुलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लीजिए कि एटीट्यूड के अंतर्गत कौन कौन से सिंबॉल आते हैं, एटीट्यूड ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से सिंबॉल आते हैं।
क्या कोई स्टूडेंट्स बता पाएगा कि एटीट्यूड का अदर नेम क्या होता है जो जनरली एग्जाम में पूछ लेता है और आप लोग बोलते हो सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है, ये ग्रुप तो फॉर्म हमने पढ़ लिया, प्रोफाइल आपने पढ़ लिया, एटीट्यूड पढ़ लिया, एटीट्यूड को और क्या हम लोग बोलते हैं? क्या कोई स्टूडेंट्स बता पाएगा एटीट्यूड ग्रुप को, प्रकृति ग्रुप को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका सेकेंड नेम क्या हो सकता है? सेकेंड नेम क्या है? क्या किसी स्टूडेंट्स को कोई आइडिया है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओरिएंटेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है ओरिएंटेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें हमारा पैरेललिज्म आता है, स्क्वायरनेस आता है और एंगुलरिटी आता है। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा ओरिएंटेशन ग्रुप है इसमें हम लोगों को रेफरेंस या फिर डेटम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है रेफरेंस एंड डेटम की आवश्यकता? आप मुझे बताइए, यदि मैं आपको बोलूं पैरेललिज्म, स्क्वायरनेस या एंगुलरिटी, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं सर? पैरेललिज्म। यदि हमारा कोई इस प्रकार का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो यहां पे मैं इस सरफेस को बोलूं पैरेललिज्म का सिंबल दूं और यहां पे मैं बोल दूं सर 0.05 और इसको एक मैं जो है फ्रेम बना दूं, तो इस पैरेललिज्म में यहां पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये सरफेस को मैं किस सरफेस के पैरेलल ले रहा हूं। तो क्या यहां पे बिना रेफरेंस का हमारा काम चल सकता है? क्या यहाँ पे बिना रेफरेंस का काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, बिकॉज हमको बताना पड़ेगा कि भैया ये हमारी एक सरफेस है, ये इसको हम लोगों ने डेटम माना है, इस डेटम से पैरेललिज्म हम लोगों को देखना है और पैरेललिज्म हम लोगों को चेक करना है कि यहाँ पे इस डेटम से कितना पैरेलल है, क्या टॉलरेंस में है या फिर नहीं। उसी प्रकार स्क्वायरनेस की बात करें तो हम लोग किसी यहां पे देखें तो ये स्क्वायर किसके रेफरेंस में है? सर ये रेफरेंस में है। यदि हम लोग एंगुलरिटी देखें तो एंगुलरिटी यहां पे मैंने बोला सर 60 डिग्री एंगल, तो किस रेफरेंस में? तो हमारा रेफरेंस क्या है? इस रेफरेंस से ये वाली जो रेखा है वह 60 डिग्री की है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन ग्रुप में या एटीट्यूड ग्रुप में हम लोगों को रेफरेंस या डेटम की आवश्यकता होती है। वहीं पर यदि हम लोग फॉर्म ग्रुप की बात करते हैं वहां पर हम लोगों को रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार इनको ड्रॉइंग में रिप्रेजेंट किया जाता है और किस प्रकार हम लोग उनको समझ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, यहाँ पे आप लोग एक पूरा का पूरा ड्राइंग में सिंबल देख रहे हो। इस सिंबल में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है सर? ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमको एक डायमेंशन दी हुई है, ओनली ये वाली। तो इसको हम लोगों को देखना है और यहाँ पे हम लोगों को पैरेललिज्म कैरेक्टरिस्टिक सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को टॉलरेंस दिया हुआ है सर 0.08, राइट। अब हमको यहाँ पे लीडर लाइन कहाँ पे आके मैच कर रही है सर? इससे मैच कर रही है, यानी कि ये वाले डायमेंशन से ये वाली जो डायमेंशन है वो पैरेलल होना चाहिए 0.08 के टॉलरेंस में। क्या 0.08 के टॉलरेंस में पैरेलल होना चाहिए? तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है कि पैरेललिज्म को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ड्रॉइंग में। जरूरी नहीं है कि कोई राउंड सरफेस, कोई हमारी फ्लैट सरफेस है उसको भी हम लोग उसी प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे कि लाइक दिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे सिंबल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी ये डेटम सरफेस है, इस डेटम सरफेस से इस सरफेस की पैरेललिज्म को बताया गया है। क्या ये अपॉन 100 का मतलब आप बता सकते हो कि अपॉन 100 क्या बोल रहा है? ये यहाँ पे एक नया अपॉन 100 आया है। क्या कोई स्टूडेंट्स बताएगा कि 100 मतलब ये क्या बोल रहा है? 100 आप लोगों का 100 मिलीमीटर पर 0.02। बहुत ही बढ़िया मनीष कुमावत, एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा जवाब दिया, एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या है, हम लोगों को एक लेंथ दे दी गई है कि पर 100 मिलीमीटर हमको 0.02 मिलीमीटर का वेरिएशन यहां पे है। क्लियर है? 100 मिलीमीटर की हम लोगों को लेंथ जो है दिखाई गई है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये स्क्वायरनेस आ जाता है। यहां पर भी हम लोगों को सेम थिंग, यहां पे ये हमारा डेटम लाइन हो गया एक्सिस और यहां पे इस एक्सिस के यहां पे ये वाला जो डायमीटर है वह कैसा होना चाहिए? स्क्वायरनेस में परपेंडिकुलर होना चाहिए 0.05 के टॉलरेंस में। क्लियर है? 0.05 के टॉलरेंस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है, ये एक सरफेस दिखाई है, ये हमारी डेटम सरफेस है, रेफरेंस लाइन है, देन इसके यहाँ पे ये वाला जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए 0.01 के
टॉलरेंस में, क्लियर है ना। तो ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में हम लोगों को अलग अलग सिंबल दिए होते हैं। नेक्स्ट सिंबल की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट होता है हमारा एंगुलरिटी, जो कि हमारे ओरिएंटेशन ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ओरिएंटेशन ग्रुप के अंतर्गत हम लोगों ने तीन सिंबल को देखा, राइट, जिसमें हमारा लास्ट है एंगुलरिटी। यहाँ पे हम लोग एंगुलरिटी को देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाली एक रेफरेंस सरफेस है, इस रेफरेंस सरफेस से यहाँ पर जो हमारा ग्रुप कटा हुआ है, जो यहाँ पे जो राउंड ग्रुप है यहाँ पे इस टाइप से, वो हमारा क्या है, या स्लॉट है हमारा, वो क्या है, यहाँ पे इसके 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसमें 0.01 का वेरिएशन हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम लोग टॉलरेंस दे रहे हैं और रेफरेंस जो है हम लोगों को बता रहे हैं, क्लियर है। यहां पे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है, बिल्कुल। फिटर थ्योरी में तो मैंने ऐसा पहली बार पढ़ा है, ये फिटर थ्योरी में आप लोगों का ईयरली जब था उस टाइम ऐड था, अभी उन्होंने रिमूव किया है जो सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज आया है, बट आप लोगों का जो भी टेक्निकल एग्जाम होता है वहां पर इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग किसी वर्कशॉप में जाओगे, वहां पे जब ड्राइंग को देखोगे और इन सिंबल्स को देखोगे, यदि आपको उन सिंबल्स के बारे में नहीं पता है, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो मीनिंगलेस है भाई, कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ पे हम किसके अंतर्गत आ गए, लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत। और लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत भी हमारे तीन सिंबल हैं, कौन कौन से, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रा। ये तीन सिंबल हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सर ये आते हैं हमारे लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखो, पोजिशन मतलब हम लोग किसी हॉल की पोजिशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो हॉल है वह किस पोजिशन पर है। कॉन्सेंट्रिसिटी मतलब जैसे कि हमारा कोई एक डायामीटर ये है और उसके रेफरेंस में हमारा एक डायामीटर है, इन दोनों डायामीटर की एक्सेस में हमारा कितना वेरिएशन चल सकता है। यदि हमारा एक ही एक्सेस है दोनों डायामीटर का, इन द सेंस हमारा वर्कपीस पूरी तरह से कॉन्सेंट्रिक है, बट टोटली कॉन्सेंट्रिक होना पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी हमारा कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि डायमेंशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, तो उसमें हम लोग टॉलरेंस देते हैं। तो उसके लिए जो सिंबल यूज कर रहे होते हैं, वो हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे होते हैं, इसको यूज कर रहे होते हैं, और इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिसिटी। इसी प्रकार यहाँ पे ये हमारा सिमेट्रा है। सिमेट्रा को थोड़ा सा गाइस समझिएगा, आगे इसके लिए मैं थोड़ा सा फिगर की ओर ले चलता हूं, जहां पे मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सिमेट्रा में हम लोगों को क्या निकालना होता है, एक मिड प्लेन निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, सर एक वर्कपीस है और इस वर्कपीस में हमारा यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, जो कि प्रॉपर हमारे इस एक्सिस में कटा हुआ है ये स्लॉट, राइट। हॉल है यहाँ पे, ब्लाइंड हॉल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, हम लोगों को एक मिड प्लेन निकालना होता है अकॉर्डिंग टू ये सरफेस, बिकॉज हम लोगों को रेफरेंस सरफेस ये दी हुई है, और इस मिड प्लेन से हम लोगों को यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को चेक करना होता है। क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम है हमारी, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्कपीस हमारा ठीक है, चल जाएगा। यदि ये दोनों डिस्टेंस हमारी सेम नहीं होती है, वेरिएशन आता है, तो कितना वेरिएशन आ रहा है, क्या वो हमारे टॉलरेंस में वेरिएशन आ रहा है या फिर टॉलरेंस से हम लोग बाहर जा रहे हैं। यदि टॉलरेंस से बाहर जा रहे हैं तो वर्कपीस क्या होगा भाई, हमारा वर्कपीस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे सिमेट्रा का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि सिमेट्रा का मतलब क्या है, फीमेल पार्ट भी फिट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, बेसिकली फिटिंग में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, कि हम लोग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को ध्यान में रख के अपने पार्ट को कंप्लीट कर रहे हूं, क्लियर है। तो इस प्रकार कॉन्सेंट्रिसिटी की यदि बात करें, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग कॉन्सेंट्रिसिटी को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सिमिलर थिंग, यहाँ पे हम लोगों को एक रेफरेंस सर्फेस दे दिया, किसका, ये वाली डायमेंशन का, और यहाँ पे इसका एक्सिस क्या है हमारा, ये है।
अब हम लोगों को इस एक्सिस से, इस डायमेंशन वाली एक्सिस से इस डायमेंशन वाली एक्सिस को मैच करना है। तो इसकी एक्सिस हमारी यहां निकल के आई। अब इन दोनों एक्सिस में कितना वेरिएशन आ रहा है, लाइक यहां पे आप लोग देखोगे कोई वेरिएशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.08 का वेरिएशन आ रहा है डायमीटर में तो वहां पे चल जाएगा। यदि उससे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो क्या होगा, हमारा पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो टॉलरेंस से बाहर है, टॉलरेंस से बाहर है। ये समझ नहीं आ रहा है, फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कॉन्सेंट्रिसिटी क्या है। मैंने क्या बताया कि सर कोई भी हमारा डायमीटर होता है, लाइक समझिएगा कि कोई वर्कपीस है जिसका यहां पे डायमीटर हमारा कितना है, डायमीटर है सर 40 mm, तो इसका सेंटर कहां पे निकलेगा सर, यहां से 20 mm, यानी कि ये हमारा एक्सिस है। अब यहां पे हम लोगों ने कोई डायमीटर बनाया और इस डायमीटर में हम लोगों का इसका डायमीटर है सर 20 और इसका एक्सिस हमारा निकला मान के चलो यहाँ, ये थोड़ा सा आउट है, तो इसकी एक्सिस लाइन कहाँ गई और इसकी एक्सिस लाइन यहाँ गई, तो इन दोनों एक्सिस लाइन के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या वो 0.08 आ रहा है। और इसको हम लोग राउंडनेस में देखते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हमारी एक राउंडनेस है 0.08 की और वहां पे उसके अंदर यदि वो एक्सिस लाइन आ रही है मतलब कि वो पार्ट हमारा चल जाएगा, यदि उससे बाहर जा रहा है मतलब वो पार्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे प्रॉपर कॉन्सेंट्रिसिटी नहीं है, वर्कपीस हमारा एसेंट्रिक हो चुका है, यानी कि दोनों एक्सिस मैच नहीं कर रहे हैं टॉलरेंस में। क्लियर है ना? ओके, दिखा देंगे ग्रुप वाला सिंबल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये हमारा सिमेट्रा है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी मेन चीज मैं आप लोगों को क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, एक तो वो अंदर से आप लोगों का कुछ भी पूछ सकता है कि भी इसका मतलब क्या है, तो वो चीज आप बहुत अच्छे तरीके से आई वो बता पा रहे होंगे। दूसरी चीज आप लोगों को सिंबॉल पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबॉल किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो यहां पे हमने क्या देखा, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत हमारा स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस एंड सिलेंड्रिसिटी आ रहा है। प्रोफाइल ग्रुप के अंतर्गत प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस आ रहा है, ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे यदि हम उसके आगे जाएं, ओरिएंटेशन ग्रुप की बात करें या एप्टीट्यूड ग्रुप की बात, एटीट्यूड ग्रुप की बात करें, उसमें हमारे यहाँ पे तीन सिंबल आ रहे होंगे, पैरेललिस्म, स्क्वायरनेस और एंगुलरिटी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ओरिएंटेशन या एटीट्यूड, वो कुछ भी नाम दे दोनों हमारा सेम चीज है। तो पैरेललिस्म, स्क्वायरनेस और एंगुलरिटी ये किसके अंतर्गत आ रहे होंगे, एटीट्यूड या ओरिएंटेशन के अंतर्गत आ रहे होंगे। नेक्स्ट यदि हम लोग लोकेशन ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, लोकेशन ग्रुप की बात करें, तो लोकेशन में हमारा कौन सा आ रहा होगा, पोजीशन आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रिसिटी आ रहा होगा, सिमेट्रा आ रहा होगा। यानी कि ये क्या बता रहे हैं, ये हम लोगों को किसी लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है ना, ये लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि निम्न चिन्हों का वर्ग लिखो यह किससे संबंधित है। बताइए पहला वाला बताओ ये किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, पहला सिंबल बताइए किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। फटाफट से एक एक्सरसाइज हो जाएगी आप लोगों की जिससे कि याद हो जाएगा। राहुल यहाँ पे फॉर्म ग्रुप बता रहे हैं, गौतम, राजेंद्र, स्ट्रेटनेस है डेफिनेटली, किस ग्रुप के अंतर्गत है, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत है। बहुत ही बढ़िया, ये सिंबल का कैरेक्टरिस्टिक सिंबल का नाम क्या है, स्ट्रेटनेस, और किसके अंतर्गत है, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत है। सेकंड सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सिंबल का नेम क्या है, सेकंड क्या है, एटीट्यूड ग्रुप के अंतर्गत है, सेकंड किसके अंतर्गत आएगा, पोजीशन के अंतर्गत नहीं आएगा। एंगुलरिटी किसके अंतर्गत आएगा, एंगुलरिटी यहाँ पे प्रकृति को दर्शा रहा है और ये किसके अंतर्गत आएगा, एटीट्यूड या ओरिएंटेशन जिसको हम लोग बोले है ना। सिमेट्रा का देखो मैंने सिंबल का अर्थ बता दिया तब तो आप समझ ही पा रहे हो कि ये बता क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिमेट्रा क्या है, पोजीशन बताता है ना, मैंने बोला कि इसकी पोजीशन यहाँ सेंट्रल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, इस सेंट्रल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, यदि कोई स्लॉट कटा है तो पोजीशन बता रहा है, तो किसके लोकेशन बता रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, लोकेशन के अंतर्गत आएगा सिमेट्रा है ना। उसके आगे ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, प्रोफाइल के अंतर्गत आएगा, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म के अंतर्गत आएगा, जबकि उसका ग्रुप एक्चुअल में अलग है तो प्रोफाइल के अंतर्गत आना चाहिए उसको, है ना। और नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा क्या बता रहा है, लास्ट सिंबल का नाम क्या है, लास्ट सिंबल का नेम क्या है,
बहुत ही बढ़िया, ये हमारा क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है, और किसके अंतर्गत आएगा, लोकेशन के अंतर्गत आएगा, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, निम्न चिन्हों का अर्थ लिखो। अब यहां पे कुछ चिन्ह है, यहां पे ये क्या चीज है, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल फ्रेम बोल सकते हैं, और ये फ्रेम हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, ये फ्रेम क्या इंडिकेट कर रही है, पैरेललिज्म करेक्टरिस्टिक सिंबल है यहां पे, और जिसका टॉलरेंस क्या है 0.05, है ना, पैरेललिज्म करेक्टरिस्टिक सिंबल का नेम है, जिसमें टॉलरेंस दिया है 0.05 का, क्लियर है। चलिए यहां पे ये आप लोगों का क्या इंडिकेशन दे रहा है, सेकंड सिंबल क्या इंडिकेशन दे रहा है, सेकंड यहां है, सेकंड क्या इंडिकेशन दे रहा है, प्रोफाइल ऑफ, क्या नाम है इस करेक्टरिस्टिक सिंबल का, प्रोफाइल ऑफ लाइन किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत, बहुत ही बढ़िया। यहां पे थर्ड नंबर पे बताइए ये हमारा क्या इंडिकेशन दे रहा है, थर्ड नंबर पे क्या इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों का, थर्ड नंबर पे बताइए फटाफट से, ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, डेटम, ये हमारे डेटम को बता रहा है ना, रेफरेंस को बता रहा है, जो हमारे लीडर लाइन से मैच करता है 90 डिग्री में, या फिर इसको अलग से लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बता रहा है, डेटम को बता रहा है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्या इंडिकेशन दे रहा है, फोर्थ नंबर का सिलेंड्रिसिटी, सिलेंड्रिकल, बहुत ही बढ़िया, और ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेंड्रिसिटी किस ग्रुप के अंतर्गत, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत, ग्रुप ध्यान रखना, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहां पे देखिए, दिखाए गए चित्र में ग्रुप व करेक्टरिस्टिक को लिखो, यहां पे आपको ग्रुप बताना है और करेक्टरिस्टिक को बताना है, तो यहां पे बताइए सबसे पहले फर्स्ट वाले का बताइए, फर्स्ट वाले में क्या है, यहां पे करेक्टरिस्टिक सिंबल का नाम क्या होगा, एटीट्यूड ओरिएंटेशन ग्रुप है, सिंबल का नाम पूछ रहा है, पैरेललिज्म, बहुत ही बढ़िया, क्या होगा, पैरेललिज्म होगा, जिसमें टॉलरेंस 0.04 दिया है, एंड यहां पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, फ्लैटनेस, जो किसके अंतर्गत आता है, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे भी आप लोगों को सेम, इसका अर्थ आप लोगों का क्या है, यहां पे ये पूरा का पूरा फ्रेम दिया हुआ है, इस फ्रेम में करेक्टरिस्टिक सिंबल हमारा क्या है, फ्लैटनेस है, जिसका टॉलरेंस 0.05 है, बहुत ही बढ़िया, अब तो आप तुरंत बता दोगे ये हमारा किसके अंतर्गत और क्या है, बताइए फटाफट से बताइए, ये क्या होगा, स्ट्रेटनेस किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आएगा, जिसका टॉलरेंस है 0.1 मिलीमीटर, और क्या ये हमारे इंटायर वर्कपीस पर दिया गया है टॉलरेंस, या फिर किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पर दिया गया है, बताइए क्या होगा भाई, क्या ये पूरे के पूरे वर्कपीस पर हम लोगों को ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस दिखा रहा है, या किसी पर, बहुत ही बढ़िया, पूरे के पूरे वर्कपीस पर दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे लीडर लाइन का एरो हमारे एक्सिस पर मैच कर रहा है, क्लियर है ना। चलिए आगे यहाँ पे एंगुलरिटी को दिखा रहा है, और एंगुलरिटी किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, ओरिएंटेशन ग्रुप के अंतर्गत, बहुत ही बढ़िया। आगे यहाँ पे दिखाए गए चित्र का अर्थ लिखना है आप लोगों को, तो यहाँ पे ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम का पूरा अर्थ आप लोगों को बताना है, ये फ्रेम हम लोगों की क्या बता रही है, बहुत ही बढ़िया निकिता, एटीट्यूड यानी कि ओरिएंटेशन, जिसमें टॉलरेंस, और हमारे सिंबल का नाम क्या है, पैरेललिज्म, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे हम लोगों का सिलेंड्रिसिटी को इंडिकेट कर रहा है, जो किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, सिलेंड्रिसिटी किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत, बहुत ही बढ़िया। चलिए आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं। यहां पे अगेन हम लोग देखें, बहुत बढ़िया सिंबल, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, और क्या नाम है इस सिंबल का, ये फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आएगा हमारा। यहां पे तो भाई हम लोगों को रेफरेंस की आवश्यकता पड़ रही है, ओरिएंटेशन के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा,
ओरिएंटेशन के अंतर्गत आएगा, एटीट्यूड के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे रेफरेंस की आवश्यकता हो रही है हम लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे ये हमारा क्या है, राउंडनेस है, और राउंडनेस किसके अंतर्गत आता है, किस ग्रुप के अंतर्गत, फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एक्स वाई जेड का अर्थ लिखना है, यहाँ पे ये एक्स है और वाई यहाँ पे दिखाया गया है और जेड आपका यहाँ पे दिखाया गया है। बताइए भाई एक्स का बताओ, सबसे पहले एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत, बहुत ही बढ़िया, और ये सिमेट्रा आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक सिंबल का नेम है। बाय बताओ, बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए बाय हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीतू शर्मा सिमेट्रा है कैप्टन, बहुत ही बढ़िया, ये हमारे डेटम सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि प्रोफाइल को, क्लियर है ना, इसको बता रहा है डेटम को बता रहा है ना, ये हमारे किसको बता रहा है, डेटम को बता रहा है, या रेफरेंस सतह बोले। एंड जेड हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रिसिटी है, जेड क्या है, कॉन्सेंट्रिसिटी है, किस सरफेस से है, जो डेटम सरफेस ऑलरेडी यहां पे इंडिकेट किया हुआ है, क्लियर है, जो कि लोकेशन के अंतर्गत आएगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पे एक्स बाय जेड का अर्थ बताना है, तो यहाँ पे फिगर को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, एक्स हमारा ये है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय हमारा क्या, स्क्वायरनेस, जो किसके अंतर्गत आएगा, ओरिएंटेशन के अंतर्गत आएगा, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रिसिटी, जो किसके अंतर्गत आ रहा होगा, हमारा कॉन्सेंट्रिसिटी किसके अंतर्गत आ रहा होगा, लोकेशन ग्रुप के अंतर्गत, है ना। चलिए तो गाइस आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक्चुअल में यहां से क्वेश्चन यदि पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे लग रहा है आप लोग उसका इजीली आंसर दे पाओगे। फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कोई भी डाउट तो नहीं है, चीजें आप लोगों की क्लियर है ना, सारी चीजें बहुत सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लास में कोई भी इश्यू नहीं है, नो दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है। चलिए ऑल क्लियर, ओके। ये वाला पीपीटी फॉर्मेट में है एक्चुअल में, चलिए ये पीडीएफ को मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, बिकॉज इसमें सारे के सारे फिगर हैं, और इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के साथ में, जिससे कि आप लोगों की ये चीजें जो है क्लियर हो जाए। चलिए तो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को क्लास से ज्वाइन होने के लिए। धीरे धीरे हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इशू आप लोगों को ना हो। ऐसा नहीं है कि ओनली नाम के लिए हम लोग टॉपिक को क्लियर करें, टॉपिक उस तरीके से क्लियर होना चाहिए एक सिंपल सरल भाषा में, जो आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, ना केवल जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इंटायर टॉपिक से आ रहा होगा, तो आप एक्जैक्टली उस क्वेश्चन को समझ के खुद के लॉजिक से आंसर दे पाओ, यदि आपको रटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, है ना। चलिए गुड नाइट सभी को। रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा, बेफिक्र रहो आप लोगों को, गुड नाइट, आई लव यू। चलिए बहुत ही बड़े गुड नाइट। और मैथ की क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोगों को, मैथ रीजनिंग के विकास सर की क्लासेस में कोई इशू तो नहीं है, बताइए भाई क्लासेस, वो भी चीजें समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं तो अपना एफर्ट लगा ही रहा हूँ हर चीजों में। मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस भी आई होप बहुत अच्छे तरीके से वो भी करा रहे हैं, मस्त है सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, मस्त होना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। और भाई सफलता उसी को मिलेगी जो परिश्रम करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है, चीजों को साथ साथ में कवर करना है, ऐसा नहीं ओनली सर हमने मेटल का एमसीक्यू क्लास देख लिया, लिमिट फिट टॉलरेंस का एमसीक्यू क्लास देख लिया, आपको हर फंडामेंटल क्लास को और एमसीक्यू क्लास को देखना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप नहीं कुछ कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो ओनली आप लोग जितने कोर्सेस में मैं वीडियोस डाल रहा हूं, चाहे कोई भी, आप भी सोते समय, उठते समय, बैठते समय हेडफोन लगा के केवल उन वीडियोस को भी देख लोगे ना, मेरी वीडियो इतना पावरफुल है, मैं बोल रहा हूँ कि 80 नंबर में से आप आराम से 60 से 70 नंबर के बीच में इजीली ला रहे होंगे, और दूसरे बच्चे चाहे किताबों से कुछ भी चीजों कर रहे होंगे ना,
फिर भी वो इन चीजों को नहीं समझ पाए, क्योंकि क्या है, सीधा सीधा आपको मलाई निकाल के दे रहा हूं भाई, ये आता है, ये चीजें हैं, समझ रहे हो। चलिए ठीक, ओके ओके, 80 से 80 लाना है, बिल्कुल मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आएगा, पॉसिबल है। मैं भी एग्जाम दिया था, आप जहां जॉब कर रहा हूं वहां पे जो क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन थे टेक्निकल, वहां से आई थिंक मेरे 78 करेक्ट रहे थे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाता है, एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर दिया, अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग कल बढ़ रहे होंगे, है ना। और साथ ही साथ कल रीजनिंग की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, आई होप। चलिए ठीक, ओके ओके।